आप सबको नमस्कार। आप सबका इल्विन क्लासेस में स्वागत है। आज बलिया बलिदान दिवस है। बलिया पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है उसका एक छोटा सा शहर है और उस शहर से मैं स्वयं आता हूँ। बलिया बलिदान दिवस क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसके वर्तमान निहितार्थ क्या हैं, इसे हमें समझना होगा। आज जब हम खुली हवा में और आज़ाद ख्यालात के लोगों के बीच सांस ले रहे हैं, आज जब हम आज़ाद हैं मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तौर पर, तो हमें यह सोचना चाहिए कि आज़ादी किन मूल्यों पर मिली है। बलिया भारत की आज़ादी से 5 साल पहले आज़ाद हो गया। भारत की आज़ादी जो कि 5 अगस्त 1947 में हासिल हुई, 15 अगस्त 1947 को, उसके 5 साल पहले बलिया 19 अगस्त 1942 को आज़ाद होने वाले भारत का पहला ज़िला बना। यह भारत का वह पहला डिस्ट्रिक्ट था जो कि सबसे पहले आज़ाद हुआ। यहाँ के लोगों ने अपने साझे प्रयास से भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति के दौरान चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, बलिया जिले से अंग्रेजों को भगा दिया और चित्तू पांडे जी को बलिया का DM नियुक्त कर दिया। बलिया पूरे 3 दिनों तक आज़ाद बना रहा। फिर अंग्रेजों की एक बड़ी सी पलटन आई, उसने बलिया को चारों तरफ से घेर लिया, चित्तू पांडे को पकड़ लिया गया और फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज हो गई कि कैसे एक छोटे से शहर के लोगों ने अपने मिट्टी के लिए लड़ते लड़ते दुनिया के सबसे बड़े ताकत को, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और ये जो दिन है, ये सभी बलियावासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी, एक छोटा सा समाज भी यदि चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमें उन शहीदों को याद करते हुए, उन शहीदों को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करके बताएं कि हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।